हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारे टॉपिक है लिशमन स्टेन। सो ये एक रूटीनली यूज़ होने वाली स्टेन है हिमेटोलॉजी लैब के अंदर। सो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो लिशमन स्टेन की जो कॉम्पोजिशन होती है, इसमें दो स्टेन्स होती हैं, लिशमन स्टेन जो कि होती है 0.150 ग्राम, एंड मिथेनॉल होता है जिसको एब्सोल्यूट मिथेनॉल हम बोल सकते हैं, तो वो 100 ml होता है। ठीक है, ये यूज़ किस लिए की जाती है? ब्लड को स्टेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इओसिन। ये इसके पास मिक्सचर होता है इओसिन डाई का, जो कि एक एसिडिक स्टेन है, एंड मिथाइलिन ब्लू जो कि एक बेसिक स्टेन है। ये मिथाइलिन ब्लू किसके रूप में है? जो मिथेनॉल है, जब मिथाइलिन ब्लू को मिथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया गया है तो वो मिथाइल अल्कोहल बन गया है, जिसको हम मिथेनॉल कह रहे हैं। ठीक है, एंड इज़ यूजुअली डाइल्यूटेड एंड बफर ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान इसको डाइल्यूट किया जाता है, बफर किया जाता है। सो ये इसका प्रिंसिपल में इंक्लूडेड है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, सो द इओसिन स्टेन विच इज़ एसिडिक स्टेन, जो इओसिन है वो एक एसिडिक स्टेन होती है। अगर ये एसिडिक स्टेन है तो ये किस स्टेन करेगी? बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल को करेगी, जो कि होगा साइटोप्लाज्म। सो इओसिन इज अ एसिडिक स्टेन एंड इट विल स्टेन द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और इसका उल्टा हो जाएगा, मिथाइल ब्लू इज अ बेसिक स्टेन एंड इट विल स्टेन द एसिडिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, दैट इज अ न्यूक्लियस। बेसिकली क्या है इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक तरीके से आप समावेश मान सकते हैं। जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो बेसिकली बेसिक बेसिक को कलर नहीं दे सकता, एसिडिक एसिडिक को कलर नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये जो इओसिन स्टेन है ये एसिडिक है, तो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो मिथाइलिन ब्लू है ये एक बेसिक स्टेन है और ये कलर देगी एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल को, दैट इज अ न्यूक्लियस। सो यूज़ की बात की जाए कि लिशमन स्टेन का यूज़ क्या है, सो ये ब्लड सेल के एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में, और डब्ल्यूबीसीज के भी जो 5 टाइप्स होते हैं उनके बीच में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए इसको हेल्प किया जाता है। फंजाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए भी काफ़ी बार इसे रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर की बात की जाए तो सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर एंड रैपिडली एयर ड्राई ब्लड फिल्म। हमने क्या करना है, एक ब्लड फिल्म बनानी है। वो जो ब्लड फिल्म होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए, ठीक है। उस ब्लड फिल्म की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो टंग शेप स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके। उसको बनाना है, उसको एयर ड्राई करना है, एंड देन उसके बाद हम स्टेनिंग करेंगे। सो उसके बाद कवर द फिल्म विद लिशमन स्टेन एंड अलाउ टू एक्ट फॉर 1 मिनट। हमने क्या करना है, स्मियर के ऊपर स्टेन डालना है, उसको कवर कर देना है और 1 मिनट के लिए उसको लीव कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद एड डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू स्लाइड एंड मिक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना हमने लिशमन स्टेन डाला है उससे डबल क्वांटिटी का डिस्टिल्ड वाटर उसी स्टेन के ऊपर डालेंगे एंड उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। जो लिशमन स्टेन पहले डाली थी उसको हटाना नहीं है, उसी लिशमन स्टेन के ऊपर ही हमने डिस्टिल्ड वाटर डबल क्वांटिटी में डालना है और उसको मिक्स कर देना है। उसके बाद अलाउ द डाइल्यूट स्टेन। अब ये जो स्टेन है वो डाइल्यूटेड स्टेन हो गई ना, क्योंकि उसको डाइल्यूट कर दिया। सो अलाउ द डाइल्यूटेड स्टेन टू एक्ट फॉर 10 to 12 मिनट। अब ये जो डाइल्यूटेड स्टेन है इसको 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दो, ताकि अपना काम कर सके। उसके बाद वॉश द फिल्म विद डिस्टिल वाटर। हमने वॉश करना है फिल्म को डिस्टिल वाटर के साथ, या फिर आप फॉस्फेट वफर के साथ भी वॉश कर सकते हैं, जिसका पीएच 7.0 होगा। एंड देन ड्रेन करना है ड्राई इन एयर एंड एग्जामिन, ओके। ड्राई करना है एयर में, एग्जामिन करना है। हम इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी पे हम इसको 100x पे देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑयल इमर्जन, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात की जाए, सो जो न्यूक्लियर है बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोनेंट है वो ब्लू कलर के दिखेंगे, इओसिनोफिलिक ग्रैनुल्स जो हैं वो ऑरेंज कलर के दिखेंगे, जो न्यूक्लियोलाई है वो ब्लू कलर का दिखेगा, ब्लू वायलेट कलर का दिख सकता है। मेच्योर मोनोसाइट ग्रे ब्लू कलर के दिखेंगे, एंड जो लिम्फोसाइट है वो ब्लू विद पर्पल न्यूक्लियस दिखेगा। सो ये जो लिशमन स्टेन है ये एक रूटीनली यूज़ होने वाली स्टेन है हिमेटोलॉजी लैब के अंदर, और ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पोटअप होता है। ऑल्सो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें जो मिथेनॉल एड ऑन किया जाता है, जो मिथेनॉल जो एड है लिशमन स्टेन के अंदर, ये मिथेनॉल की वजह से जो ब्लड फिल्म है वो स्टेनिंग के दौरान ही फिक्स हो जाती है। सो बेसिकली मिथेनॉल हमारी जो स्टेन है उसके अंदर फिक्सेटिव का काम भी करता है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।